हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको आतु न्यूज़ 30.7 में। मैं क्या लिंप और व्यूवर्स, आज बात करेंगे जो मारू वेलफेयर सोसाइटी का फाउंडर और आज का टाइम में वो चीफ पेट्रोन के तौर से रहा है लंकू मारू तलर जी, क्योंकि आज प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया कि आज से कोई दूसरा टाइटल नहीं होगा, ना वो फागयुम होगा, ना मगयुम होगा, ना ही कोई लंकू होगा। तो उस कारण से वो ने आज से मारू टाइटल से नाम पुकारे जाने के लिए बात किया है। उसी हिसाब से मैं यही कह रहा हूँ कि मारू, जैसे आप सब सुना होगा, जितने भी 20 ताली के जो मेंबर है, शायद मैंने भी बचपन में सुना था कि लंगफू टलर, लंगफू बामलर जो एक कि मास्टर है, जो कि स्पोर्ट में अच्छा खासा उनका नाम चलता था। आज मैं ये कहूँगा कि मेरा भी जो सपना था उस आदमी से मिलने का, जो लंगफू बामलर जो मास्टर किया करता था, तली कंसर्सी में जो नाम आता था, टॉप वन में आता था, आज मैं भी उनसे मुलाकात, ये मेरा खुशकिस्मत है। चलिए व्यूअर, आपसे भी मिलाता हूँ लंगफू बामलर जी से, आज बात करेंगे जो उसका फाउंडेशन स्टोन जो फाउंडर के नाते आज उसका सक्सेसफुली फिलुआ में कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो चुके, क्योंकि आज से लेके यहाँ से जो फाउंडेशन लेट भी कम्प्लीट हो चुका, जो तनिक लंगदोंग है वो भी आज इनॉग्रेट किया गया है, कि आज का बाद मारू वेलफेयर सोसाइटी यही से शुरुआत किया गया था, जो 20 ताले में फैला हुआ था आज वापस आ चुका है। चलिए बात करते हैं लंगफू बामलर जी से। सर, जैसे आपका जो सपना रहा, आपने जैसे बताया कि 1994 में जो आपने बिगनिंग किया गया था इस वेलफेयर को चलाने के लिए, आज सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है और स्टोन फिलर बन चुका है और इनॉग्रेट किया गया है, कि इस बारे में आपका क्या कहना है? हम जब ऑर्गेनाइज कर रहा था तो हम ये तमिन से हम पैदल जाना पड़ता था, तमिन से पैदल जाके यहाँ आके हम ये दरियंग है और उस तरफ देबा है, दरियंग में ए देबा लोग को लाके यहाँ में पट्टी कराया, बुरा बुरी सब लोग को, फिर यहाँ से ले जाके उधर देबा में पूरा सब लोग को जियांग न्योरियांग में इकट्ठा करके सारे लोगों को 94 का जनवरी में पूरा ये ऑर्गेनाइज किया था। तो उससे चलते चलते आज तक इतना लेके आया भाई लोग, हम तो समझेगा हम कुछ नसीब है। चौथा सा हम कार्य शुरू किया था, भाई लोग उसको बड़ा बना दिया, तो हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर, जैसे कि 90s में तो कुछ भी तलीद कंजर्सी कम्प्लीटली अनडेवलप्ड था, कुछ ना रोड है ना कुछ भी नहीं था उस टाइम में, एटलीस्ट आज तली न्योबिया तक रोड पहुँच गया, जो आपका पिलुआ से न्योबिया कुछ है 20 किलो कुछ का है डिस्टेंस में है। तो आप ये, आपसे ये जानना चाहूँगा कि 90s में आप लोगों ने किस तरह का मैनेजमेंट किया कि ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, जैसे मारू वेलफेयर सोसाइटी को ऑर्गेनाइज को चलाने के लिए, क्योंकि आज का टाइम में भी आपका फिलुआ में जहाँ में बोन प्लेस है, क्योंकि आज का टाइम में भी यहाँ डेवलपमेंट नहीं है, ना ही कोई रोड कनेक्टिविटी, ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन भी 90s में आप लोगों ने, आपने एज ए फाउंडर की तौर से बहुत सी मैनेजमेंट को लेके भी तकलीफ उठा के जो वेलफेयर को चलाने के लिए कोशिश किया गया, उनका आप थोड़ा एक्सपीरियंस बता दीजिएगा। उसमें तो बहुत तकलीफ था, तो पैदल तो पहले बताया ये तमिन से हम ये यहाँ तक पैदल चल के आना पड़ता था, तमिन से तली भी बहुत दूर है, फिर तली से यहाँ तक हम पैदल से चल के आना पड़ता था। और मैनेजमेंट हम लोग अभी जैसे तंडा सुंडा जो भी लेके यूज कर रहा है वो सब हम लोग नहीं कर सका, हम लोग सिर्फ लोकली जो अपुंग होता है और लोकली जो मैनेज कर सका, मिथुन और ये सब ये करके हम लोग ऑर्गेनाइजिंग किया है। बाकी अभी जैसे ऑर्गेनाइज किया है, अभी रास्ता भी सामने हो गया और हमारा मारू क्लाइन का यूथ भी ज़्यादा हो गया, तो इसी कारण अभी सक्सेसफुली हम लोग ये सब कर पाया है। उसी समय में मेरा टाइम में हम अकेला महसूस कर रहा था, तो हमारा जो बड़ा भाई एक तो है ये जो लंगफू तकप, तो वो था, और इसका हम लोग का उससे और चौथा भाई, मेरा चौथा भाई एक तो था, वो इस दुनिया में अभी नहीं है, उन लोग का साथ में <स्थाथ
व्यूअर्स, ये वो इमोशनल पल है जो 90s में जैसे इन्होंने तकलीफ उठाया, क्योंकि आप सबको पता है कि 20 टाली ऐसा एक कंसेसी है कि जहां आज तक ग्रोथ नहीं पहुंचा गया है, कि 1978 से लेके आप तक 2023 तक फिलोहा में ऐसा एक जगह है, पीप सोरंग सर्कल ऐसा है कि जहां ग्रोथ नहीं पहुंचा गया। तो ये बहुत ही उत्साह है और इमोशन की पल है कि 90s में, जबकि आज का दौर में भी 21st सेंचुरी में भी आज तक ऐसा एक दौर है कि जहाँ यहाँ कोई डेवलपमेंट के लिए कोई नामो निशान नहीं है, ना ही रोड है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये सर जो मारू टलर जी जो 94 में जो मारू वेलफेयर सोसाइटी को जो फाउंडिंग किया गया था, जो फाउंडर है, आज उनका जो फीलिंग्स है, जो एक्सप्रेशन, जो तकलीफ उन्होंने जो उठाया, उनको लेके शेयर किया जाए। तो सर फिर से आप सर से फिर से एंट्री करना चाहूँगे कि सर का जो इमोशन है, जो फीलिंग है, उस टाइम से लेके अब तक जो चला है, उनसे फिर थोड़ा जानेंगे। चलिए अभी बाकी लोग जो है ब्रो, ये मेरा छोटा भाई लंगपो तमा जो रोंगमा और ये भाई क्यांगोंग, ये सब लोग कुछ लोग है, हम लोग मिल के ये सब बताया था। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का 4-5 आदमी ऐसे ही था। तो उसका बाकी ये भाई लोग तो बहुत छोटा था। ये हमारा प्रेसिडेंट अभी का जो प्रेसिडेंट है, ये लोग बहुत छोटा था। हम लोग का ये बैग पकड़ के साथ में घूमता था। तो ऐसा करके हम लोग तकलीफ बहुत किया। हमारा जो साथ में सबसे करीब जो साथ में चल रहा था, तो वो इस दुनिया में नहीं है। इसके लिए बहुत दुख है आज का दिन में। बाकी जो चल रहा है उसी के लिए तो बहुत कुछ है। बस कैमरामैन आप काइंडली मेरा तरफ थोड़ा फोकस कर दीजिएगी, क्योंकि ये ऐसा एक मूवमेंट है, क्योंकि सभी का आज का जो फाउंडेशन स्टोन को लेके बहुत सा जुड़ा हुआ था, कि क्योंकि मारू वेलफेयर सोसाइटी 1994 से लेके आज तब से लेके शुरुआत किया गया, और आज यहाँ 2003 में थर्ड जनरल कॉन्फ्रेंस को 6th फाउंडेशन डे यहाँ मनाया गया फिलोहा, जहाँ से मारू वेलफेयर का जहाँ से शुरुआत हुआ, आज वहाँ पिलुआ में, जैसे मैंने आपको बताया कि मारू तलर जी का जो दुख तकलीफ 90 से जो चल के है, जबकि उन्होंने फाउंडिंग किया, इस चीज़ को फाउंडर बना, तो उनका तकलीफ आज ये खुशी के कारण जाहिर नहीं कर पा रहा आप सबके सामने। व्यूअर्स, मैं आप सबसे यही का साथ लेता हूँ। आप देखते रहिए आतू न्यूज़ 20.7। मैं हूँ ग्याल इम्प विद कैमरा पर्सन दोरा तुट के साथ में। थैंक यू वेरी मच।